इसी के साथ हम बारिश में ही निकल पड़े अपने यूट्यूब का सेलिब्रेशन करने के लिए, केक लेने। जो इतनी तेज बारिश आ रही थी, हम फिर भी पहुंच गए। देखो केक हमारा कितना सुंदर लग रहा है। हम वापस आए तब भी पानी भर चुका था, तो हम केक को सेफली घर ले आए और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। सरप्राइज है ये। मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ, और जिन चिड़िया के बच्चों की मैंने वीडियोस बनाई थी, शॉर्ट वीडियोस, वो यहाँ पर रहती हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। तीनों छोटे छोटे से हैं, मुंह खोलते हैं जब इनको खाना देते हैं ना, तो ये मुंह खोलते हैं। दिखाऊं? कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मुंह खोल रहे हैं। तो चिड़िया के बच्चों को देखने के बाद हम किचन में गए, जहाँ पर मम्मी हमारे लिए टेस्टी टेस्टी कद्दू पूड़ी बना रही थी, जिनको खाकर हमें मजा ही आ गया। बिल्कुल बहुत ज्यादा टेस्टी थी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ज्यादा ऑसम था। मेरी बहन देखो कैसे नाच रही है, और ये देखो हमारा स्पेशल केक जो हमने अनबॉक्स कर दिया है। आप हमें कमेंट्स कर बताओ कि ये केक आपको कैसे लगा, और अगर आपको भी ये केक कभी बनवाना है तो इस वीडियो को लाइक करके रख लो, जिससे ये सेव हो जाएगी, और अपने घर में किसी को भी व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, ताकि आप पास के केक वाले या बेकरी शॉप में जाकर आप बोल सको कि हमें भी ऐसा केक चाहिए। ज्यादा लगी ऊपर और अगर आप सोच रहे हो कि 1000 सब्सक्राइबर ही तो हुए हैं, ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं, तो हम मिडिल क्लास लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। अरे रुको रुको, इतना सेंटी नहीं होना गया यार, डायलॉग सुन के आप समझ गए ना। ये हमारे परिवारों में किसी ने भी नहीं गया, तो समझ लो एक तरह से मैं हिस्ट्री बना रहा हूँ, और हिस्ट्री आसानी से ऐसे ही नहीं बनती। तो मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करता रहूंगा, और आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना, और अपने परिवार के साथ ऐसे ही मिलके रहो, खुश रहो, और छोटी छोटी खुशियां मनाते रहो गाइस, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में ही असली खुशी है। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से, और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का, जस्ट प्रूव इट। अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। बिहाइंड द सीन तो देख लो, फोड़ तो लिए बड़े मजे से, है ना? साफ ही हमें करना है, है ना? ये फोड़ तो लिए बड़े मजे से, साफ हमें ही करना।